अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना अदील अहमद और आज से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ वीलॉग का। आज से मैं वीलॉग अपने बनाया करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस, अपने इलाके को एक्सप्लोर करेंगे और इसमें मेरा साथ देंगी मेरी वाइफ ऐसे, मैं ऐसे से मिलाता हूँ आपको। ये है जी मेरी वाइफ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। और इसमें हम दिखाएंगे अपनी डेली रूटीन कि एक आम पाकिस्तानी रोजाना क्या क्या करता है। तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज से शुरू करते हैं जी हम अपना पहला वीलॉग, और पहला वीलॉग मैं अपने घर से शुरू करूंगा। मैं अपना लॉन और अपने परिंदे वगैरह आपको दिखाऊंगा, हमारे नए चीज़ें निकले हैं अभी आपको वो भी दिखाएंगे। वो भी पाहे फिर रहे थे, बाबा जी ने बंद कर दिया, अभी हम आपको दिखाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें ऐसे जो हैं ये कभी मेरे साथ होंगी और कभी बिहाइंड द कैमरा होंगी, क्योंकि मेरा कैमरा मैन इनके लिए मैं और मेरे लिए ये हैं। तो हम दोनों ही ये चैनल मिलकर चलाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल इंटरटेन करता रहेगा। क्या आपको काबिज पसंद आए? चलें स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीलॉग। हमारा जी पहला वीलॉग है आज, तो आज मैं घर से शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने घर के लॉन में फिर रहा हूँ। ये मेरा पीछे जानी है जी, मेरा कुकड़, ये देखें। ये जब मैं बोल रहा था तो ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बीच में अजाने दे के। तो ये शेरा है जिसका नाम शेरा है। तो साथ में मैं दिखाता हूँ जो मैंने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, ये झूले हैं जी घर के अंदर बच्चों के लिए लगवाए हुए हैं। तो मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ। पहले तो काफ़ी थे, अभी इतना टाइम नहीं मिलता तो मैं इनकी ज़्यादा केयर नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर छोड़ दिया था। अभी मुर्गियाँ ज़्यादा रखी हैं। मोर हैं वो शहीद हो गए हैं जी, वो अब रे नहीं हैं। आजकल मुर्गियाँ रखी हैं तो उनके अंडे शंडे खाते हैं सर्दियों में, ज़बरदस्त घर के देसी अंडे। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपने बर्ड्स, अपने बर्ड से मिलाते हैं। तो ये हैं जी ये मुर्गियाँ, काफ़ी मुर्गियाँ। इनके पीछे सुरखाबे हैं, वो शायद आपको नज़र ना हो आ रही हो, ये सुरखाबे हैं जी। पहले यहाँ पर मैंने मोर वगैरह रखे हुए थे, मोर शहादत इख्तियार कर गए हैं। तो ये मेरी मुर्गियाँ हैं जी, खूबसूरत सी मुर्गियाँ, ये अंडे खिलाती हैं। एक ये जानू है, इसका नाम मैंने जानू रखा हुआ है। तो ये जानू ऊपर बैठा हुआ है इस टाइम, ये राजा है जी इस्टेट का। और साथ में इसे ज्वाइन करता है ये शफकत चीमा, ये शफकत चीमा है जी। शफकत चीमा यहाँ पर राज करता है, विलन है, और जो हीरो है वो ऊपर बैठे हुए हैं डर के। उसके अलावा ये बर्ड्स हैं जी, ये देखें, ये मिट्टू है, मिट्टू मेरा, ये मिट्टू है जी खूबसूरत से। ये मकाओ है, ये है, और ये देखें, इसे पता चला है कि फिल्म बन रही है। ये भाई साहब फौरन भाग कर आ गया नीचे, चल फिल्म बंद हो रही है तेरी आज। ये मेरा कबूतर बैठा है, इसका नाम जानी है, जानी। और ये लक्के कबूतरों की नस्ल है, वो मोती दिखाएं। ये देखें, और वो मोती बैठा हुआ, वो पीछे देखें फन, उसने देखा है कि फिल्म बन रही है, वो साथ ही हीरो बन गया। वो कॉर्नर में पायल बैठी है, और वो कॉर्नर पर पायल है जी, ये पायल है। और ओके जानी, अब तुम्हारे अगले दोस्त दिखाता हूँ मैं। हाँ जी, ये बैठी है जी खाला, खाला बैठी है, खाला अपने बच्चों को सोनू, जानू है, जानू को लेकर बैठी हुई है जानू। खाला भाई बहुत लड़ाकी है आजकल अपने बच्चों को लेकर। और ये बैठा हुआ है जी हमारा शाहरुख, शाहरुख ये दक्कनी तीतर है जी, सफ़ेद तीतर जिसे कहते हैं, ये है जी। ये देखें जानू आ गया, ये देखें जी शाहरुख, किरण की तरह तेरी। ओके जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी बर्ड्स हैं, ये देखें,
ये भी हैं, और ये ऊपर ऊपर ये दोनों डब हैं, डब्स की जोड़ी है ये, इल्सा और सोफिया। इल्सा और सोफिया इनका नाम है। और एंड पर ये वे आ जाए, ये फप्पे कुटनी है जी हमारी, और इसने भी बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से, 8-9 बच्चे हैं इसके साथ, ये रह रहे हैं। ये जी मेरे बर्ड्स का सारे के सारे केज हैं, तो बर्ड्स आप सारे बर्ड्स आपको मिला दिए हैं मैंने, काफ़ी पहले तो मैंने काफ़ी रखे हुए थे, अभी बेचारे फोल्ड हो गए हैं, जिसे टाइम नहीं दे सका हूँ मुकम्मल, ये केयर चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ भी रख रहा हूँ। तो मुर्गियों का ये है, एक तो अंडे खाने को मिलेंगे, और दूसरा ये थोड़ी सी टफ जान होती हैं, तो ये थोड़ी गर्मी सर्दी सह लेती हैं। ले जी ये सारे का सारा प्लॉट है, यहाँ पर हम रात को खेलते हैं अपना बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हमने वो लाइटें लगाई हुई हैं, वो देखें जी, वो लाइटें लगी हुई हैं दोनों साइडों पर, वो लगी हैं, तो उसमें हम रात को बैडमिंटन खेलते हैं। कुछ मेरे दोस्त आ जाते हैं, कुछ रिलेटिव्स वगैरह वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम अल्लाह गुल्ला करते हैं। साथ में भी एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो हमारी रिहाइश है, हमारा घर है, ये बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये घर है, ये वो जगह थी जहाँ से अभी मैं एंटर हुआ हूँ, आपको मैंने दिखाया शॉर्ट पर, वहाँ पर एंटर हो रहे थे, ये वो जगह है सारी की सारी। और इस जगह पर अल्लाह ताला ने रहने का मौका दिया, रह रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, और इसी तरह मैं दिखाऊं कि ये रास्ता बना हुआ है, ये साथ में भी जगह अभी परचेज़ की है, तो इस जगह पर भी हम सोच रहे हैं कि ये जो दीवार है सेंटर के अंदर दीवार है, ये निकाल देंगे यहाँ से, ये निकालने के बाद ये बड़ा सारा लॉन बनेगा, इकट्ठा हो जाएगा, मैं अपना जो बर्ड्स के केज हैं उन्हें सारे के सारा एक्सटेंड करूँगा वहाँ तक। ये बता दें कि ये इतना इस पर क्यों गार्बेज पड़ा हुआ है? ये गार्बेज पड़ा हुआ है जी, रात को साथ वाले हमसाए हमारे, उनकी शादी थी, तो उन्होंने ये जगह बोरो की हुई थी, तो रात को शादी के बाद आपको पता ही है क्या होता है, ये उन्होंने सफाई नहीं कराई। आपको पता है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये किसी से कोई चीज़ आप लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन साफ़ सुथरी करना है वो अगले का ही काम है, आपका काम नहीं है, तो ये उन्होंने सफाई नहीं कराई है। तो उन्होंने सफाई नहीं करवाई, तो अभी इंशाल्लाह करवाएंगे, एक दो दिनों तक इसकी सफाई करवाएंगे। ये था जी हमारे घर का लॉन वगैरह सारे का सारा व्यू, तो इंशाल्लाह जब बैडमिंटन के मैच होंगे, बैडमिंटन खेलूँगा तो वो भी आपको दिखाऊँगा, और बाकी चीज़ें आप शेयर करते हैं साथ साथ जो होगा। तो पीछे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है पीछे, और इसे फ्रंट पर बनाने का मकसद ये था कि घर में पर्दा रहे, अगर घर की जो खवातीन हैं वो इस लॉन में बैठती हैं, फिरते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो उन्हें पर्दे का कोई मसला ना हो, इसलिए फ्रंट पर बिल्डिंग रखी है, क्योंकि जो दूसरी जो पीछे कंस्ट्रक्शन है वो पूरी की पूरी है। और ये है जी शेरा, शेरा फिर रहा है, ये देखें आप भाग रहे आगे आगे, वैसे तो ये जीने नहीं देता, बोल बोल कर दिमाग खा जाता है, तो आप इसे शौकियाँ चढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। ये जी टैंक से पानी हमारे लीक हो गया, टरबाइन लगी हुई है, तो ये उसका पानी यहाँ पर गिर रहा है, ये देखें, अब मैं ये मोटर बांध करने जा रहा हूँ, अब मैं मोटर बांध करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमने पंप लगाया हुआ जी, पंप बंद हो गया, और यहाँ से आबशार का मंजर आ रहा है, और ये ऐसे बैठा हुआ, कितना पुरसकून है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना पीसफुल लग रहा है, बर्ड्स बोल रहे और इतना अच्छा लग रहा है। वो ऊपर का व्यू दिखाएं जहाँ पे वो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं वो प्ले कर रही हैं ये दरख्तों के ऊपर। अभी अंधेरा हो गया गालबन, ये शायद इन्हें नज़र ना आए, हमारी आँख तो देख रही है, अपने लॉन में बैठे एंजॉय कर रहे हैं।
आज का जो व्लॉग है वो हम अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।